क्योंकि बहुत सारे वो सिर्फ इंडियन की वजह से नहीं है, बाकी कंट्रीज के भी लोग हैं उनकी वजह से। अच्छा, 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 अच्छा वो जो रोमानिया के लोग हैं वो क्या करते हैं कि इंडियंस को अंदर ले रहे हैं, वो है ना यूक्रेनियन को अंदर ले रहे हैं। अब नाइजीरिया का तो वहाँ पे कोई है नहीं एम्बेसी का, तो वो नहीं लेना चाहते। अब जैसे ही लोगों के लिए गेट खुलता है तो वो अपना फोर्स लगाते हैं, वो घुस जाते हैं अंदर। हाँ घुस जाते हैं साथ में, अगर घुस गए तो घुस गए, घुस गए तो घुस गए, फिर तो कुछ नहीं। तो उन लोगों को भी मतलब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रोमानिया के ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मैं पहले घुसे हैं बस अब वही है। वो जैसे वीडियोस में वो इसलिए क्योंकि वहाँ बॉर्डर पर बहुत रश और बच्चों को बहुत, जैसे मैं खुद काफी देर तक वहाँ खड़ी रही 10 घंटे ये वहाँ रही थी। कितना देर चले, पैदल चले आप? पहले पैदल हम लोग 10 किलोमीटर चले, हम आई नहीं सकती बस वहाँ तक, और फिर हमें पैदल पैदल चौक वहाँ 10 घंटे में, तो इसलिए ना थोड़ा बच्चे परेशान। मेरा नाम निहारिका है, मैं इवानो की स्टूडेंट हूँ, यूक्रेन में पढ़ती हूँ। हम लोग एम्बेसी के थ्रू हमें जो है मैसेज आए थे कि आपको बसेस प्रोवाइड करी जाएंगी और फिर आप बॉर्डर पे पहुंच के आपको एंट्री दी जाएगी। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें काफ़ी हेल्प करी, हमें बसेस प्रोवाइड करी और फिर उसके बाद हम लोगों को बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। फिर बॉर्डर पे जब हमारी एंट्री हो गई उसके बाद हमें एम्बेसी एयरपोर्ट पर लेकर गई और वहाँ से हमारी फ़्लाइट बुक कराई। तो क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को, हाँ बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमें काफ़ी हेल्प मिली थी एम्बेसी के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू, बट बॉर्डर पे अभी काफ़ी इशू है, वहाँ जो है इतना आसान नहीं है एंटर हो पाना। तो मैं बस उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो बच्चे बॉर्डर पे अभी तक फंसे हुए हैं या जो बच्चे अभी तक बंकर्स में हैं कि प्लीज़ उनकी भी जल्दी हेल्प करिए और उन्हें भी जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करिए।